प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आज। पीएम मोदी अपने जन्मदिन पर नामीबिया से आज आए 8 चीतों की अगवानी करेंगे। पीएम मोदी आज नामीबियाई चीतों को देश को सौंपेंगे। भारत से लगभग 7 दशक पहले लुप्त हो चुका चीता। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी को ट्वीट कर जन्मदिन की बधाई दी। सीएम योगी ने पीएम की दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य के लिए कामना की। एससीओ सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद पीएम मोदी समरकंद से पहुंचे स्वदेश। पुतिन से अहम मुलाकात की। अगले साल भारत में होगा सम्मेलन। सीएम योगी के सलाहकार बने अवनीश अवस्थी अपर मुख्य सचिव के पद से 31 अगस्त को रिटायर हुए हैं। सीएम योगी के चहेते अफसरों में होती है गिनती। आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी की महापंचायत। 17 जातियों के आरक्षण का मुद्दा गरमाएगी सपा। लोकसभा क्षेत्रवार होगी पंचायत। सपा नेता दारा सिंह एमपी एमएलए कोर्ट में नहीं हुए पेश। कोर्ट ने 28 सितंबर तक गिरफ्तार करने की तारीख दी। एसपी मऊ को पत्र लिखकर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया। कानपुर में एमएचपी कंपनी का बड़ा घोटाला है सामने। सिंथेटिक ट्रैक महज 15 दिनों के भीतर उखड़ा। करोड़ों की लागत से बना पहली बारिश भी नहीं झेल सका। मुरादाबाद में दलित परिवार ने किया पलायन का ऐलान। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। प्रधानपति पर प्रताड़ित करने का आरोप। हॉरर किलिंग से थराया अलीगढ़। बेटी को मौत के घाट उतारकर तमंचा लेकर थाने पहुंचा आरोपी पिता। हिंदू लड़के से बेटी करती थी प्यार। शामली में मदरसों के सर्वे में बड़ा खुलासा। 3 मदरसे पाए गए अवैध। मदरसों के बच्चों को यूपी के सीएम और देश के पीएम का भी नहीं पता ना। बदायूं में महिला डॉक्टर की दबंगई। कार में मामूली खरोच आने पर तांगे वाले पर बरसाए थप्पड़। शिकायत पर दर्ज हुआ केस। प्रयागराज में गौ तस्कर मोहम्मद मुजफ्फर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 11 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति। कुर्क पहले भी 20 करोड़ की संपत्ति पर हो चुकी है कुर्की की कार्रवाई। रायबरेली में इंटर कॉलेज की छात्राओं ने टीचर पर पिटाई का आरोप लगाकर किया सड़क जाम। टीचरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। कौशाम्बी पुलिस ने 10 तस्करों को गिरफ्तार किया। प्राचीन अष्ट धातु की मूर्ति बरामद हुई। जालौन में 72 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश। किसानों के तिल और बाजरा की फसल को भारी नुकसान। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान गिरफ्तार। छापेमारी के दौरान गैर लाइसेंसी हथियार और लाखों की कैश मिलने के बाद एसीबी ने गिरफ्तार किया। दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में बड़ा हादसा। 2 मंजिला मकान की छत गिरने से 2 लोगों की मौत। 7 लोगों को निकाला गया बाहर। दिल्ली में यूपी भवन में पकड़ा गया फर्जी आईएएस। खुद को आईएएस बताकर ठहरा हुआ था यूपी भवन। दिल्ली पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।